हरदोई जिले के बावन ब्लॉक के निजामपुर गांव के निवासी अब्दुल सलाम ने अपने बाग में आम की 30 से ज्यादा वैरायटी लगाई हुई हैं, लेकिन सबसे कीमती आम यहां अंबिका है जो दशहरी चौसा समेत आमों से कई गुना अधिक दाम पर बिकता है। इस आम की खासियत ये भी है कि यह 3 बार रंग बदलता है, इसे देखकर हर कोई अचंभित होता है। आम के उत्पादन के लिए वैसे तो लखनऊ का मलिहाबाद पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन हरदोई भी आम के उत्पादन में पीछे नहीं है। यहाँ भी अलग अलग किस्म के आम विदेशों तक पहचान बना रहे हैं, जिसमें बावन की अब्दुल सलाम के बाग के आम बेहद खास हैं। अब्दुल सलाम ने बताया कि उन्होंने 6वीं तक पढ़ाई की और फिर खेती किसानी में जुट गए। अब्दुल सलाम ने साल 1974 में देसी आम का पहला पेड़ ये सोच के साथ लगाया था कि पेड़ की लकड़ियां ईंधन के काम आएंगी और आम अचार बनाने के काम आएगा। इसके बाद धीरे धीरे आम की अन्य किस्में दशहरी, चौसा, लंगड़ा और सफेदा पेड़ लगाए गए। आम का उत्पादन अच्छा होने पर साल 1984 में उद्यान विभाग ने अब्दुल सलाम को आम और नई किस्में लगाने के लिए प्रेरित किया और इसमें पूरी मदद देने की बात कही, जिसके बाद उद्यान विभाग ने आम्रपाली, सेंसेशन, टॉमी और अंबिका, अरुणिका सहित कई किस्मों के आम के पेड़ उपलब्ध कराए, जिसके चलते आज अब्दुल कलाम का बागान 40 बीघे में फैला हुआ है। 74 से हमने बागवानी शुरू की और वैरायटियां तो यहाँ हैं, 40 बीघे में हमारा है बाग, और वैरायटियां तो यहाँ हैं, अंबिका है, अरुणिका है, सेंसेशन है, टामी है, अम्रपाली है और दशहरी है, लंगड़ा है, चमसा है, फजरी वो तैमुड़िया है, सफ़ेदा लखनऊआ है और बेल भी है, बेर भी है और नाशपाती भी है, अनार भी है, बे और शरीफा भी है। इतनी प्रजातियों के हमारे पास पौधे हैं और हम यहीं रहते हैं और इससे आय हमको 4 लाख ही अर्जित हो जाती है। 14 साल पहले उद्यान विभाग ने अब्दुल कलाम को अंबिका और अरुणिका आम के 40 पौधे दिए थे, जिसमें अब आम लगने लगे हैं। ये आम उनके बागान का सबसे खास आम बन चुका है, क्योंकि ये दशहरी, चौसा समेत अन्य आमों की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा रेट पर बिकता है। इसके स्वाद के अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 3 बार अपना रंग बदलता है। शुरुआती रंग बैंगनी होता है और जब ये पकने की स्थिति में होता है तो लाल और पीले कलर का हो जाता है। अब्दुल सलाम ने बताया कि इस आम को बेचने के लिए उन्हें मंडी नहीं जाना पड़ता, बल्कि व्यापारी उनके बाग में आकर ही इसे खरीद लेते हैं। ये बैंगनी कलर का आम की क्या विशेषता है, कौन सा आम है ये? ये बैंगनी कलर है अरुणिका और टामी। इसकी विशेषता ये है कि देखने में बहुत खूबसूरत है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। हर पेड़ से, हर आम से इनका जो है बच्ची हर चीज भिन्न है, अलग है। ये आम देखने में जितना खूबसूरत है उतना स्वादिष्ट भी है। इस आम की खासियत ये भी है कि इसकी गुठली बहुत छोटी निकलती है और ज्यादातर गूदा ही होता है। इस समय जहाँ दशहरी आम अधिकतम 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं अंबिका और अरुणिका आम की कीमत 80 रुपए प्रति किलो है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।